हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम कबीला ट्यूटोरियल्स। आज मैं जुलाई फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगी। ये कैटेगरीज की लिस्ट है जो इस सेक्शन में कवर होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे मिनिस्टर के द्वारा रेलवे एम्प्लॉयज के ग्रेवियंस रिड्रेसल के लिए लॉन्च किए गए ऑनलाइन पोर्टल का क्या नाम है? करेक्ट आंसर है निवारण। यह निवारण ऑनलाइन पोर्टल प्रेजेंट और फॉर्मर रेलवे एम्प्लॉयज की समस्याओं का निवारण करेगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज मनोज सिन्हा, चेयरमैन रेलवे बोर्ड के मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस सेल ने किस बैंक के साथ डिक्लेरेशन साइन किया है? करेक्ट आंसर है वर्ल्ड बैंक। यह डिक्लेरेशन वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट जिम योंग किम और आईएसएस सेल यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस सेल के मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी चेयरपर्सन उपेंद्र त्रिपाठी के बीच साइन किया गया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर कोल एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पीयूष गोयल, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूएस, इसके प्रेसिडेंट हैं जिम योंग किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन का डिप्यूटी मेयर फॉर बिजनेस किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है राजेश अग्रवाल। लंदन के पहले मुस्लिम मेयर सादिक खान ने इंडिया बॉर्न राजेश अग्रवाल को डिप्यूटी मेयर फॉर बिजनेस अपॉइंट किया। लंदन इंग्लैंड की कैपिटल है। इंग्लैंड की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग। प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आईसीसी क्रिकेट कमेटी के मीडिया रिप्रेजेंटेटिव पद से इस्तीफा दे दिया है? करेक्ट आंसर है रवि शास्त्री। फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम डायरेक्टर रवि शास्त्री ने आईसीसी क्रिकेट कमेटी के मीडिया रिप्रेजेंटेटिव पद से इस्तीफा दे दिया है। आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्टूडेंट्स की साइंटिस्ट टीम ने नासा के प्रेस्टीजियस ग्लोबल कॉम्पिटिशन में कौन सा अवार्ड जीता? करेक्ट आंसर है टीम स्पिरिट अवार्ड। इंडियन स्टूडेंट्स की साइंटिस्ट टीम का नाम स्क्रू ड्राइवर्स था, जिसमें 13 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। यह टीम मुंबई के मुकेश पटेल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट की थी, जिसने यह टीम स्पिरिट अवार्ड जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स में शामिल किए गए पहले स्क्वाड्रॉन जो कि लाइट कॉम्बेट एयरक्राफ्ट है का क्या नाम है? करेक्ट आंसर है तेजस। इसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जॉइंटली डेवलप किया गया। यह पहला स्क्वाड्रॉन जो कि फ्लाइंग ड्रैगन है, इसका बेस सुलूर तमिलनाडु में स्थित है। इसमें टोटल 20 एयरक्राफ्ट्स हैं, जिनमें 4 ट्रेनर्स हैं। इस तेजस एयरक्राफ्ट की रीच 400 किलोमीटर से ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो इज़राइल मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जिसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया, उसका क्या नाम है? करेक्ट आंसर है बराक 8। यह मिसाइल इंडिया के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO और इज़राइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और इज़राइल के एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स एंड टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा डेवलप किया गया। इसका परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर से किया गया और इस मिसाइल की स्ट्राइक रेंज 70 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरसी धीरे जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस भाषा के लेखक थे? करेक्ट आंसर है मराठी। मराठी राइटर आरसी धीरे, जिन्हें महाराष्ट्र के फोक लिटरेचर और भक्ति ट्रेडिशन के लिए जाना जाता था, उनका 86 ईयर की एज में निधन हो गया। उन्हें अपनी पुस्तक श्री विट्ठल अ महासमन्वयक के लिए 1987 में साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल डॉक्टर्स डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? करेक्ट आंसर है 1 जुलाई।
कम्युनिटी और हर इंडिविजुअल की लाइफ में डॉक्टर्स के कंट्रीब्यूशन को सम्मान देने के लिए यह नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व में पहला डॉक्टर्स डे 9 मई 1933 को जॉर्जिया में सेलिब्रेट किया गया था। इंडिया में पहला डॉक्टर्स डे 1991 में 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया। फिजिशियन डॉक्टर बिदान चंद्र रॉय, जिन्हें डॉक्टर बीसी रॉय के नाम से जाना जाता है, जो कि वेस्ट बंगाल के सेकंड चीफ मिनिस्टर थे, उन्हें सम्मान देने के लिए नेशनल डॉक्टर्स डे हर साल भारत में 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा राज्य 2015 में हुए डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट विजिट्स की लिस्ट में टॉप पर रहा? करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। यह रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के मार्केट रिसर्च डिवीजन के द्वारा रिलीज की गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स: तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, सीएम जयललिता जयराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर पोजाइडन 81 लॉन्ग रेंज सर्वाइलेंस और एंटी सबमरीन वारफार एयरक्राफ्ट के लिए यूएस और इंडिया के बीच कितने अमाउंट की डील साइन की गई? करेक्ट आंसर है $1 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज की गई लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक दी गई? करेक्ट आंसर है 35th। वर्ल्ड बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI में भारत को 160 देशों में 35वां स्थान दिया गया। 2014 में इसकी रिपोर्ट में भारत को 54th पोजीशन दी गई थी। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या है? इसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्रिएट किया गया है ताकि कंट्रीज ट्रेड लॉजिस्टिक्स में होने वाले चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंटरनेशनल बेनियल मैरिटाइम एक्सरसाइज, जो कि पैसिफिक ओशियन में हवाई यूएस में शुरू हुई, उसका क्या नाम है? करेक्ट आंसर है रिमपैक। रिमपैक यानी कि रिम ऑफ पैसिफिक। यह एक्सरसाइज पैसिफिक ओशियन हवाई यूएस में शुरू हुई। इस एक्सरसाइज में भारत सहित 26 देशों की नेवीज ने पार्टिसिपेट किया। यह पहली बार 1971 में शुरू हुई थी और यह इसका 25th एडिशन है। 2016 के लिए रिमपैक की थीम केपेबल एडेप्टिव पार्टनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने वर्ल्ड बैंक के साथ $625 मिलियन का अग्रीमेंट साइन किया है ताकि देश में ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम्स को सपोर्ट किया जा सके? करेक्ट आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यह अग्रीमेंट SBI के डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर करनाम सेकार और वर्ल्ड बैंक इंडिया के कंट्री डायरेक्टर ओनो रूहल के बीच साइन किया गया। इस इनिशिएटिव के थ्रू देश में लगभग 400 मेगावाट सोलर कैपेसिटी क्रिएट की जा सकेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स: SBI की मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य, SBI का हेडक्वार्टर मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंडस्ट्री ने SBI के साथ बैंक पेमेंट्स के लिए शेयर होल्डर अग्रीमेंट साइन किया है? करेक्ट आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस पार्टनरशिप में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 70% कॉन्ट्रीब्यूशन और SBI का 30% कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी इन्वेस्टिगेशंस में पिछले 2 फिस्कल ईयर्स में कितनी अघोषित आय का पता लगाया है? करेक्ट आंसर है 43,000 करोड़ रुपीस। इस टोटल वेल्थ में से 21,000 करोड़ रुपीस डिपार्टमेंट सर्च से और 22,000 करोड़ रुपीस विभिन्न सर्वे से पता लगाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स: यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख आधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक और ट्विटर यूजर्स के लिए सोशल मीडिया बैंकिंग प्लेटफॉर्म का क्या नाम है जिससे बैंकिंग सर्विसेज के कस्टमर्स को ऑनलाइन हेल्प मिलेगी? करेक्ट आंसर है SBI मिंगल। इस सर्विस को SBI चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य ने 61st बैंक डे पर लॉन्च किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में किसे सम्मान देने के लिए नेशनल अवार्ड्स 2008, 2009 और 2010 के लिए प्रेजेंट किए? करेक्ट आंसर है बिधान चंद्र रॉय। प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने ये अवार्ड्स नेशनल डॉक्टर्स डे पर 1 जुलाई को फिजिशियन बिधान चंद्र रॉय, जिन्हें बीसी रॉय कहते हैं, को सम्मान देने के लिए प्रेजेंट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने वाले पैरा एथलीट्स की हेल्प के लिए यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने इंडिया की किस कमेटी को रिकॉग्निशन ग्रांट किया है? करेक्ट आंसर है पैरा ओलंपिक कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूटीएसए के रिसर्चर्स के द्वारा डेवलप की गई मेथड का क्या नाम है जिससे कैंसर सेल्स को 2 घंटे में खत्म किया जा सकेगा? करेक्ट आंसर है नॉन इन्वेसिव मेथड। यह नॉन इन्वेसिव मेथड क्या है? नॉन इन्वेसिव में सर्जिकल इन्वेस्टिगेशंस और थियोरोपैटिक सर्जरी के दौरान बॉडी पर किसी भी तरह का कट नहीं लगाया जाता है। प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने इंडिया के मेजर विलेजेस में बेसिक रिक्वायरमेंट्स को डेवलप करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया है? करेक्ट आंसर है स्मार्ट मॉडल विलेज पायलट। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत फार्मिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ केयर, वाटर रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोविजन रिटेलिंग और लॉजिस्टिक्स एरियाज कवर होंगे। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हरियाणा के 5 पंचायती गांवों को शामिल किया गया है, जिनके नाम हैं धौला, अलीपुर, हरिचंदपुर, ताजनगर जो कि गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के हैं, और रोजका मियो जो कि हरियाणा के मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने एंटी शिप अमेरिकन हार्पून मिसाइल्स को पुनः संयोजन करने के लिए किस मरीन सिस्टम के साथ 262 करोड़ रुपीस की डील साइन की है? करेक्ट आंसर है थैसन करूप मरीन सिस्टम्स। यह जर्मनी बेस्ड मरीन सिस्टम है। इस डील के अंतर्गत मुंबई स्थित नेवल डॉकयार्ड में INS शंकुश और INS शालकी को पुनः संयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने चाइना फॉर्च्यून लैंड डेवलपमेंट CFLD कंपनी के साथ टाउनशिप सेटअप करने के लिए MOU साइन किया है? करेक्ट आंसर है हरियाणा। हरियाणा गवर्नमेंट ने गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में एक बोर्ड सेटअप किया है जिसके अंतर्गत नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप डेवलप की जाएगी। इस डील के अंतर्गत चाइना फॉर्च्यून लैंड डेवलपमेंट कंपनी $5 बिलियन का फंड प्रोवाइड करेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़, CM मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोरंटो की गे प्राइड परेड में 10,000 लोगों के साथ मार्च करने वाले पहले कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? करेक्ट आंसर है जस्टिन ट्रूडाओ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कैनेडा की कैपिटल ओटावा, करेंसी कैनेडियन डॉलर, प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस स्कीम के लिए 4 पब्लिक सेक्टर इंश्योरर्स के साथ समझौता किया है? करेक्ट आंसर है PMFBY यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए पहले 11 प्राइवेट सेक्टर इंश्योरर्स के साथ करार कर चुकी है और अब गवर्नमेंट ने 4 PSU जिनके नाम हैं LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस्ट्री बॉडी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स फॉर तेलंगाना स्टेट के लिए नए चेयरपर्सन का क्या नाम है? करेक्ट आंसर है देवेंद्र सुराना। तेलंगाना के FICCI चेयरपर्सन का नाम देवेंद्र सुराना और आंध्र प्रदेश के FICCI चेयरपर्सन का नाम M प्रभाकर राव है। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती। FICCI की फुल फॉर्म द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन,
श्रीलंका की सेंट्रल बैंक के नए गवर्नर जो कि कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट लंदन के फॉर्मर डायरेक्टर हैं, उनका क्या नाम है? करेक्ट आंसर है इंद्रजीत कुमारस्वामी। श्रीलंका की सेंट्रल बैंक जिसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका CBSL के नए गवर्नर इंद्रजीत कुमारस्वामी को अपॉइंट किया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, श्रीलंका की कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरा कोटे, प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रम सिंघे, प्रेसिडेंट मैत्रीपाला श्रीसेना, करेंसी श्रीलंकन रुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया के रेडबुल रिंग्स में हुए ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2016 का खिताब किस फॉर्मूला वन रेसर ने जीता? करेक्ट आंसर है लेविस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ वेस्ट चाइना में स्थित पिंग टैंक कंट्री के द्वारा इंस्टॉल किए गए विश्व के सबसे बड़े और सेंसिटिव रेडियो टेलीस्कोप का क्या नाम है? करेक्ट आंसर है फास्ट। इसकी फुल फॉर्म है 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। इस फास्ट टेलीस्कोप की डिश साइज 300 मीटर है, जो कि शीर्ष बिंदु से आकाश को प्लस माइनस 40 डिग्री के अंदर कवर करेगी। कंटेनर्स पर लॉजिस्टिक्स डेटा टैगिंग इंप्लीमेंट करने वाला कौन सा पोर्ट देश का पहला पोर्ट बन गया है? करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। यह इस तरह की पहली फैसिलिटी है। इस सिस्टम के अंतर्गत इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स अपने सामान को लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक सर्विस के थ्रू ट्रैक कर पाएंगे। इसके लिए हर एक कंटेनर पर RFID यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग अटैच किया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसे नावा शेवा भी कहते हैं, जो कि देश का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, यह मुंबई महाराष्ट्र में अरेबियन सी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सैंड आर्टिस्ट ने उड़ीसा के पुरी बीच पर 100 मिट्टी के रथ बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है? करेक्ट आंसर है सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक ने अपने 25 स्टूडेंट्स के साथ मिलकर अपकमिंग भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए उड़ीसा के पुरी बीच पर 100 मिट्टी के रथों का निर्माण किया है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके लिए उन्होंने 3 दिन में 20 घंटों तक काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड की सेंट्रल बैंक SNB के द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार स्विट्जरलैंड बैंक में भारत के नागरिकों द्वारा जमा की गई राशि की टर्म्स में भारत का कौन सा स्थान है? करेक्ट आंसर है 75th। इस लिस्ट में UK पहले स्थान पर है और भारत 75वें स्थान पर। यह रिपोर्ट स्विट्जरलैंड सेंट्रल बैंक SNB यानी कि स्विस नेशनल बैंक के द्वारा रिलीज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स यूथ समिट का सेकेंड एडिशन आसाम CM के द्वारा कहाँ इनॉग्रेट किया गया? करेक्ट आंसर है गुवाहाटी। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स को इन्हेंस करने के लिए यह ब्रिक्स यूथ समिट गुवाहाटी में शुरू हुई। ब्रिक्स मेंबर्स हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, आसाम के CM सर्बानंदा सोनोवाल, कैपिटल दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के द्वारा भारत को प्रोवाइड किए जाने वाले 1 बिलियन यूरो के जेट इंजन प्रोजेक्ट का क्या नाम है? करेक्ट आंसर है कावेरी। इस प्रोजेक्ट के लिए फ्रांस इंडिया को 1 बिलियन यूरोस का इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करेगा, जिसमें कावेरी नाम का इंडिजीनियस गैस टरबाइन इंस्टॉल किया जाएगा, जो कि 2020 से तेजस फाइटर्स को पावर प्रोवाइड करेगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, फ्रांस की कैपिटल पेरिस, करेंसीज हैं यूरो CFP फ्रांस, प्रेसिडेंट फ्रेंकोइस होलांडे, प्राइम मिनिस्टर मैनुअल वॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI का न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है सुदर्शन सेन। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स,
आरबीआई को 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में एस्टैब्लिश किया गया था। इसके प्रेजेंट गवर्नर हैं रघुराम राजन और आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली भारतीय महिला जो कि ऑस्ट्रेलिया के लोअर हाउस में इलेक्ट हुई है उनका क्या नाम है? करेक्ट आंसर है लिंडा बर्नी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, प्राइम मिनिस्टर मैलकॉम टर्नबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरिया के ली हुन इल को हराकर कनाडा ओपन बैडमिंटन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर है बी साई प्रणीत। इंडियन शटलर बी साई प्रणीत ने कनाडा ओपन बैडमिंटन ग्रैंड प्रिक्स सिंगल्स का यह खिताब जीता। इसके साथ ही इंडियन मैन डबल्स टीम मनु अत्री और सुमीत रेड्डी ने भी डबल्स का खिताब जीता। पंजाब के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल के द्वारा पंजाब के रूरल एरियाज की सेफ्टी के लिए इनॉग्रेट किए गए सिस्टम का क्या नाम है? करेक्ट आंसर है RRPRS। इसकी फुल फॉर्म है रैपिड रूरल पॉलिस रिस्पॉन्स सिस्टम। इस सिस्टम के अंतर्गत पंजाब के 12,000 गांवों को सेफ्टी प्रोवाइड की जाएगी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़, CM प्रकाश सिंह बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कमर्शियल कोर्ट और कमर्शियल डिस्प्यूट्स रिजोल्यूशन सेंटर किस जगह पर इनॉग्रेट किया गया? करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर, चीफ मिनिस्टर रमन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट स्पीड को टेस्ट करने के लिए TRAI ट्राई के द्वारा ऑफिशियली लॉन्च की गई मोबाइल ऐप का क्या नाम है? करेक्ट आंसर है माई स्पीड ऐप। यह मोबाइल ऐप वाईफाई और सेल्यूलर कनेक्टिविटी के लिए इंटरनेट कनेक्शन की डाउनलोड और अपलोड स्पीड को फ्री में मेजर करेगी। यह हर ऑपरेटर की मोबाइल डेटा स्पीड गिवन एरिया में रियल टाइम बेसिस पर मेजर करेगी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ट्राई की फुल फॉर्म टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स के द्वारा एनर्जी सेविंग और एनर्जी एफिशिएंसी ग्रुप मीटिंग कहाँ आयोजित हुई? करेक्ट आंसर है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। इस मीटिंग में मेंबर कंट्रीज के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एनर्जी सेविंग और एनर्जी एफिशिएंसी का रोल एक्नॉलेज किया गया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती, CM चंद्रबाबू नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन बजट 2016 में वेरियस स्कीम्स और सर्विसेज के प्रॉमिस को पूरा करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एक्सपांड कर कितने नए मिनिस्टर्स को इंक्लूड किया गया है? करेक्ट आंसर है 19। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने दूसरी बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एक्सपांड कर 19 नए मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को इंक्लूड किया है। आर्टिकल 75 के अनुसार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 82 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन इस मिनिस्ट्रियल एक्सपांशन के बाद नंबर ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स 83 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूरल डेवलपमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन के लिए कैबिनेट ने भारत और किस देश के बीच MOU के लिए अप्रूवल दिया है? करेक्ट आंसर है मॉरिशस। इसकी कैपिटल है पोर्ट लुइस, करेंसी मॉरिशियन रुपी, प्रेसिडेंट अमीनाह गुरीब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई नेटवर्थ कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए SBI के द्वारा लॉन्च किए गए प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स का क्या नाम है? करेक्ट आंसर है इलाइट। यह कार्ड मास्टर कार्ड वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किए गए हैं जो कि NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे। SBI की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्ट कॉलेज इन जालाकुडा के कैट रिसर्चर्स और ऑक्सफोर्ड म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री लंदन के रिसर्चर्स के द्वारा केरला के वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किस स्पाइसेस का पता लगाया है? करेक्ट आंसर है एंट मिमिकिंग स्पाइडर। यह न्यू स्पाइसेस एंट मिमिकिंग स्पाइडर
जो कि वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में फाउंड की गई है. इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स: केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, सीएम पिनारई विजयन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक रिपब्लिक में हुए IWASU 23 वर्ल्ड गेम्स में किस पैरा स्विमर ने 3 गोल्ड मेडल सहित 8 मेडल्स जीते? करेक्ट आंसर है निरंजन मुकुंदन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईडनबर्ग में हुई काउंसिल मीटिंग में कौन सा देश ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का 39th एसोसिएट मेंबर बना? करेक्ट आंसर है सऊदी अरेबिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पीस काउंसिल के फॉर्मर प्रेसिडेंट जिनका हाल ही में मुंबई में निधन हो गया, उनका क्या नाम है? करेक्ट आंसर है रोमेश चंद्रा. इनका 97 ईयर की एज में निधन हुआ. इन्होंने वर्ल्ड पीस काउंसिल का हेडक्वार्टर जो कि हेलसिंकी में था 1953 में ज्वाइन किया था और ये 1977 में इसके प्रेसिडेंट बने थे. वर्ल्ड पीस काउंसिल का प्रेजेंट हेडक्वार्टर एथेंस में है जो कि सन 2000 से है. किस राज्य सरकार के लेबर डिपार्टमेंट ने पार्ट टाइम वर्कर्स के लिए मिनिमम वेज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है? करेक्ट आंसर है राजस्थान. पार्ट टाइम वर्कर्स मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के अंतर्गत आते हैं. इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत पार्ट टाइम वर्कर्स जो कि एक दिन में 4 घंटे से कम काम करते हैं, उन्हें एक दिन के मिनिमम वेज का 50% मिलना चाहिए. इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स: राजस्थान की कैपिटल जयपुर, CM वसुंधरा राजे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट ने किस स्थान पर मेजर पोर्ट सेटअप करने के लिए अप्रूवल दिया है जो कि ग्लोबल ईस्ट वेस्ट ट्रेड रूट के लिए ट्रांस शिपमेंट हब बनेगा? करेक्ट आंसर है इनायम. यह पोर्ट साउथ तमिलनाडु में कोलाचल के नियर इनायम में एस्टैब्लिश किया जाएगा. इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स: तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, CM जयललिता जयराम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा संबोधित की गई यूनियन कैबिनेट की मीटिंग में अप्रूव किए गए हाईकोर्ट बिल 2016 का पर्पस क्या है? करेक्ट आंसर है ऑल्टरेशन ऑफ नेम्स. इस हाईकोर्ट्स ऑल्टरेशन ऑफ नेम्स बिल 2016 के अंतर्गत हाईकोर्ट्स के नाम को चेंज किया जाएगा. इसके अंतर्गत बॉम्बे हाईकोर्ट को मुंबई हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट को चेन्नई हाईकोर्ट और कैलकाटा हाईकोर्ट को कोलकाता हाईकोर्ट के नाम से रीनेम किया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह के द्वारा विश्व के सबसे बड़े चक्र का अनावरण किया गया? करेक्ट आंसर है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली. यह चक्र खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC के द्वारा इंस्टॉल किया गया. यह चक्र साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी के आगमन के शताब्दी वर्ष की स्मृति के रूप में इंस्टॉल किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न देशों की डिजिटाइज्ड इकोनॉमी और सोसाइटी में ट्रांजिशन की रेडीनेस में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? करेक्ट आंसर है 91st. इस सूची में सिंगापुर पहले स्थान पर और भारत को 91 देशों में सबसे आखिरी स्थान पर रखा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी के क्षेत्र में भारत ने किस देश के साथ MOU को अप्रूव किया है? करेक्ट आंसर है तंजानिया. यह MOU आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा साइन किया गया. इससे पहले आयुष मिनिस्ट्री चाइना, मलेशिया, हंगरी, बांग्लादेश और नेपाल के साथ इसी तरह के MOU साइन कर चुकी है. आयुष की फुल फॉर्म है द डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरापैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी. इम्पॉर्टेंट पॉइंट: तंजानिया की कैपिटल डोडोमा, करेंसी तंजानियन शिलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस SMEs के लिए किस बैंक ने फुल फ्लेज्ड डिजिटल बैंकिंग सर्विस लॉन्च की है? करेक्ट आंसर है HDFC बैंक. इस सर्विस के अंतर्गत HDFC बैंक अपने कस्टमर्स को
कहीं भी और किसी भी वक्त कंप्लीट सेट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, HDFC के CEO आदित्य पुरी, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। इसे अगस्त 1994 में भारत में इस्टेब्लिश किया गया था। HDFC की फुल फॉर्म हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट 4% इंटरेस्ट रेट पर 3 लाख रुपए तक के शॉर्ट लोन्स किस पर्पस के लिए दे रही है? करेक्ट आंसर है क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलीलियो के द्वारा फॉलो किए जाने वाले स्पेसक्राफ्ट का क्या नाम है जिसका की मिशन सोलर सिस्टम के बिगेस्ट प्लैनेट द जुपिटर को स्टडी करना और एक्सप्लोर करना है? करेक्ट आंसर है जूनो। यह जूनो सोलर सिस्टम के बिगेस्ट प्लैनेट द जुपिटर की स्टडी और उसे एक्सप्लोर करने के मिशन पर है। इसे 2011 में कैप कैनवेरल स्टेशन फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया था। देश के विभिन्न राज्यों के MPs, MLAs और इंस्टीट्यूशंस के स्टाफ को ट्रेन करने के लिए हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में किस एकेडमी को सेटअप किया गया है? करेक्ट आंसर है ई विधान। इस नेशनल एकेडमी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने अप्रूवल दिया है, जो कि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला, CM वीरभद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमामि गंगे प्रोग्राम के अंतर्गत उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, हरियाणा और दिल्ली में 100 लोकेशंस पर कितने प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए गए हैं? करेक्ट आंसर है 231। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1500 करोड़ रुपीज़ है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव गंगा रिवर को क्लीन करना है, जो कि 2018 तक अचीव किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यूनियन मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन उमा भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए 300 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ कौन सा स्थान टूरिस्ट हब बन जाएगा? करेक्ट आंसर है गजोल दोबा, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने भोरर आलो को रीनेम कर गजोल दोबा नाम दिया है, जो कि 2017 तक वेस्ट बंगाल का मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता, CM ममता बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA के द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार रशिया, चाइना और US के कंपैरिजन में भारत में होने वाली घरेलू उड़ानों की संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर है 80 मिलियन। IATA की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का एयर पैसेंजर मार्केट 2015 में फास्ट पेस से बढ़ा है और डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ग्रोथ में भारत की टॉप रैंकिंग है। 80 मिलियन डोमेस्टिक पैसेंजर्स मार्केट में भारत की एनुअल ग्रोथ रेट 18.8% है, जबकि रशिया के 47 मिलियन डोमेस्टिक पैसेंजर्स मार्केट में इसकी ग्रोथ रेट 11.9% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेमी क्लोज्ड वॉलेट लाइसेंस सैंक्शन किया है? करेक्ट आंसर है यिल्डी सॉफ्टकॉम। सेमी क्लोज्ड वॉलेट क्या है? यह एक तरह का पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसे पर्टिकुलर मर्चेंट्स के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है और इसका कॉन्ट्रैक्ट सेमी क्लोज्ड वॉलेट के इश्यूअर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस बैंक के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की लिमिट को बढ़ाने के लिए अप्रूवल दिया है, जो कि फुल्ली कमोडिटी बेसिस पर टोटल पेड अप शेयर कैपिटल का 62% से बढ़कर 74% हो जाएगी? करेक्ट आंसर है एक्सिस बैंक। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्सिस बैंक CEO शिखा शर्मा, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। इसे 1990 में अहमदाबाद में एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नमेंट सेक्टर ने एटॉमिक पावर प्लांट ऑपरेटर के लिए पब्लिक लायबिलिटी को
भारत की पहली इंश्योरेंस पॉलिसी से कवर किया है? करेक्ट आंसर है NPCIL. NPCIL की फुल फॉर्म है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. इस पॉलिसी का रिस्क के लिए टोटल प्रीमियम 100 करोड़ रुपीज़ है, जो कि 1500 करोड़ रुपीज़ से कवर होगा. यह पॉलिसी सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट CLND के प्रोविजंस के अंतर्गत है. इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स: NPCIL को 1 सितंबर 1987 में इस्टेब्लिश किया गया था. इसकी ओनर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है. इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर SK शर्मा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायबिटीज पेशेंट्स में ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटर करने के लिए रिसर्चर्स ने किस आर्टिफिशियल ऑर्गन को फाउंड किया है? करेक्ट आंसर है पैनक्रियास. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेडरेशन इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक FIG के द्वारा वर्ल्ड क्लास जिम्नास्ट अवार्ड, जिसका नाम है जिम्नास्टी डी क्लासी मोंडाले, पाने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट का क्या नाम है? करेक्ट आंसर है दीपा कर्माकर. दीपा कर्माकर 2016 रियो ओलंपिक गेम्स में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला जिम्नास्ट है. इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जिम्नास्टिक्स IFG कॉम्पिटिटिव जिम्नास्टिक्स की गवर्निंग बॉडी है. इसका हेडक्वार्टर लॉसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है.